केजीएफ चैप्टर 2 में रवीना टंडन ने अपने किरदार के बारे में क्या कहा है, क्या है केजीएफ चैप्टर 2 की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। केजीएफ चैप्टर 2 के ऐलान जब हुआ था तभी से लोगों की नज़र गड़ी हुई है कब ये फिल्म हमें पर्दे पर दिखाई देगी। जब केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई थी इसने तगड़ा धमाका किया था बॉक्स ऑफिस पर, फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के एक्शन ने सभी को चौंका कर रख दिया था। इस फिल्म के अगले पार्ट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट अभी तक बनी हुई है, मोस्ट अवेटेड फिल्म ये है। और इस फिल्म में कुछ बॉलीवुड स्टार्स भी आपको नजर आने वाले हैं, यानी कि संजू बाबा और रवीना टंडन। रवीना टंडन ने अपने किरदार को लेकर कुछ खास बातें बताई हैं और उन्होंने कहा है कि लोगों को ये किरदार काफी पसंद आएगा। इस फिल्म में अपने रोल का के बारे में उनका कहना है कि वो फिल्म में एक हीरो के किरदार में भी नजर आएंगी और एक विलन के किरदार में भी नजर आएंगी। रवीना टंडन इस मौके पर मुंबई मिरर से बात करते हुए कहती हैं कि उनका रोल काफी धमाकेदार होने वाला है और काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एक राजनेता का कैरेक्टर है और काफी रसूख ये कैरेक्टर रखता है। तो दोस्तों, ये कितना कनेक्ट कर पाएगा ये तो फिल्म रिलीज करने के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा खबर मिली है कि इस फिल्म के लिए चैनल के द्वारा सैटेलाइट राइट्स बेचने के लिए 120 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं, यानी कि जितना इतना इसका बजट है उतना सैटेलाइट राइट से ही रिकवर हो जाएगा। कर्नाटक में वर्तमान बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर कोलार स्वर्ण क्षेत्र की ये कहानी है। भारत में प्राचीनतम स्वर्ण भंडार ये था। ऐतिहासिक उल्लेख बताते हैं कि यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेकर अलग अलग समय में स्वर्ण की खुदाई होती रही है, जिनमें 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चोला साम्राज्य और 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य से लेकर 18वीं सदी में उत्तरार्ध में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के काल तक की अवधि सम्मिलित है। सदियों तक केजीएफ से दक्षिण भारत के शासकों को भारी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। ये भारत के सबसे गहरे खदानों में से एक है, जहां 1980 और 1990 के दशकों में धरती की सतह से 3 किलोमीटर नीचे खुदाई होती थी। केवल दक्षिण अफ्रीका के कुछ खदान इससे ज़्यादा गहरे हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने खुदाई कार्य का जिम्मा लिया और 1920 के दशक में खदान में विद्युत शक्ति स्थापित की गई। उस समय दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में बिजली उपलब्ध नहीं थी। वो कंपनी बड़े गर्व के साथ दावा करती थी कि आप धरती में 1 किलोमीटर गहराई से सीधा जॉन टेलर के लंदन कार्यालय से बात कर सकते हैं। इतनी अधिक गहराई में खुदाई के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, इसीलिए केजीएफ ने 1940 के दशक में मैनचेस्टर इंग्लैंड में बना विश्व का सबसे बड़ा ड्रम लगाया। जॉन टेलर ग्रुप द्वारा प्रतिष्ठापित अधिकांश मशीनें 1990 के दशक तक काम कर रही थी, हालांकि वो 50 से 100 साल पुरानी थी। वो एक तरह से मूल विनिर्माताओं और भारत माइंस के निरंतर उत्कृष्ट रखरखाव दोनों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन था। आधुनिक खुदाई का काल 1880 से 2001 120 सालों तक रहा। 2001 में सरकारी कंपनी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने परिचालन बंद कर दिया, क्योंकि प्रतिवर्ष खुदाई से प्राप्त सोना का मूल्य किसी भी रूप में परिचालन लागत के बराबर भी नहीं हो रहा था। लेकिन केजीएफ का अस्तित्व अभी भी समाप्त नहीं हुआ। जुलाई 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में स्वर्ण की खुदाई पुनः आरंभ करने का आदेश पारित करते हुए स्वर्ण भंडार सहित खदानों की नीलामी की अनुमति दी। 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने केजीएफ की नीलामी की घोषणा की। इसीलिए लगता है कि दक्षिण भारत के प्रथम विद्युतीकृत शहर जो अभी बूता शहर की शक्ल में है का उसका जो भाग्य है वो एक बार पुनः खुल सकता है। ये तो है फिल्म में इस बार यश पूरी दुनिया जीतने की तैयारी में है और श्रृंदे शेट्टी जो कि फिल्म की हीरोइन है इस चैप्टर 2 में उनको फाइनली उनका प्यार मिल ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों को मिलाते हुए दिखाया जाएगा। और आपको बता दें इस फिल्म को अब 2021 में ही रिलीज किया जाएगा, क्योंकि अगर इस साल रिलीज किया जाता है तो 30-50% ही ऑक्यूपेंसी मिलेगी, जो कि केजीएफ चैप्टर 2 के साथ हरगिज नहीं होना चाहिए। पूरी 100
100% इस फिल्म को ऑक्यूपेंसी मिलनी चाहिए। वहीं शूटिंग स्केड्यूल की बात करें तो शूटिंग ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है, जहां बाकी स्टार्स ने सेट ज्वाइन कर लिया है। हाल ही में अनंतनाग और प्रकाश राज की कुछ तस्वीरें सेट से सामने आई थी, तो अब यश से भी डेट ले ली गई है। जैसे ही यश को पता चला, आपको बताया था मैंने, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उन्होंने अपनी जो जिम है उसका वर्कआउट 2 गुना कर दिया है, क्योंकि अब जितना शूट बाकी है उसके लिए पूरा उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हैवी दिखनी चाहिए। इसकी वजह से वो वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और अब बड़े पर्दे पर यश और भी ज़्यादा स्टनिंग हमें नज़र आने वाले हैं। एक पिक्चर्स शेयर की गई है मेकर्स द्वारा, वो भी आप देख सकते हैं। तो कमाल की ये फिल्म होने वाली है, और जितना इंतज़ार है उस हिसाब से लगाया जा सकता है कि फिल्म के मेकर्स भी उतनी ही तैयारी कर रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन जब यश ने बोला कि भैया ये OTT के लायक नहीं है, इसे बड़े पर्दे के हिसाब से बनाया गया है, उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया गया है। साथ ही यश ने कहा कि हम जानते हैं ऑडियंस को हमसे कितनी उम्मीदें हैं और कितने बड़े स्केल पर वो ये फिल्म देखना चाहते हैं, इसीलिए हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और इसमें आप जानते हैं संजय दत्त अधीरा के किरदार में नजर आने वाले हैं। उनका एक लुक शेयर किया गया था जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे, किंग ऑफ वाइकिंग्स जैसे कि मैंने बताया था, जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो वाला लुक, उनके टैटू थे, कॉन्ग्रोस हेयर्स थे, बहुत ही स्टनिंग वो तस्वीर थी और फैंस की एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद जब सभी को पता चला कि संजू बाबा को लंग कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो सब बेहद परेशान हो गए थे, और इसका असर कहीं ना कहीं सब सोचने लगे कि अब KGF चैप्टर 2 और बाकी फिल्मों पर भी पड़ेगा। लेकिन KGF चैप्टर 2 की टीम ने साफ कर दिया है कि संजू बाबा के ना होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संजय दत्त का सिर्फ 2 दिन का शूट बाकी है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 दिन का शूट बाकी है, जैसे ही संजू बाबा आते हैं वो काम फटाफट से हो जाएगा। फिलहाल हम सब प्रे कर रहे हैं कि संजू बाबा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आपको बता दें इस फिल्म को 5 भाषाओं में रिलीज़ किया जाना है, पैन इंडिया, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, यानी कि पूरी ऑडियंस बड़े पर्दे पर देखेगी KGF स्टार यश संजू बाबा को, और उनकी बहुत ही भयंकर फाइट इस फिल्म में दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, इसे दिवाली में रिलीज़ किया जाना था लेकिन नहीं हो पाया। अब जो रिलीज़ डेट तय की गई है वो संक्रांति यानी कि अगले साल 2021 में तय की गई है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसी दिन एक और बड़ी तमिल फिल्म का जो रिलीज़ डेट है वो तय कर दिया गया है। ये फिल्म है मास्टर्स, और मास्टर में थालापति विजय नज़र आने वाले हैं, जो कि तमिल के एक सुपरस्टार है, और जब भी उनकी फिल्में लगती हैं तो हाउसफुल ही जाती हैं। मास्टर को भी दिवाली में रिलीज़ किया जाना था, लेकिन अब मेकर्स ने तय किया है कि वो भी संक्रांति में इसे रिलीज़ करने वाले हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मास्टर की वजह से KGF चैप्टर 2 को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वैसे KGF चैप्टर 2 एक पैन इंडिया फिल्म है, जबकि मास्टर एक पैन इंडिया फिल्म नहीं है। KGF चैप्टर 2 को जहां 5 भाषाओं में रिलीज़ किया जा रहा है, वहीं मास्टर को 3 ही भाषाओं में रिलीज़ किया जा रहा है। लेकिन ये 3 भाषाएँ जब रिलीज़ की जाएगी इन 3 भाषाओं में, तो कहीं ना कहीं KGF चैप्टर 2 का बिजनेस हिला सकती है, क्योंकि इस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ किया जाना है। और तमिल में तो जो KGF चैप्टर 2 है उसका भी वर्जन रिलीज़ किया जाएगा सेम डेट पर। तो ऐसे में तमिल जो ऑडियंस है और तमिल स्क्रीन्स है थिएटर्स की, उसमें KGF चैप्टर 2 को स्क्रीन्स बहुत कम मिलेंगी, और फिर उसे हिंदी में भी किया जाएगा, तेलुगु, यानी कि 3 भाषाओं की वजह से कहीं ना कहीं KGF चैप्टर 2 को नुकसान झेलना पड़ सकता है। स्क्रीन्स की कमी आएगी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा सा कम आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि जो थालापति विजय है उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी यश से कोई कम नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि इस क्लैश की वजह से दोनों ही फिल्मों को नुकसान झेलना पड़े। फिलहाल KGF चैप्टर 2 की बात करें तो इसका जो शूटिंग स्केड्यूल है
वो अब तय हो चुका है, शूटिंग शुरू हो चुकी है। अनंतनाग पिछली बार दिखे थे आपको सेट पर, प्रकाश राज दिखे थे, और जो KGF के स्टार हैं यश, उन्होंने अपनी तैयारी अब जोरों शोरों से शुरू कर दी थी, वो भी सेट पर पहुंच चुके हैं। बाकी जो फिल्म की कास्ट है वो सारी की सारी शूटिंग में लग चुकी है, VFX का काम चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो चुका है लगभग। अब सिर्फ संजू बाबा के कुछ सीन्स बाकी हैं और बाकी जो डबिंग वर्क है ये सब चल रहा है साथ साथ में। तो इस फिल्म में को बनने में कम ही समय है, लेकिन संजू बाबा जब आएंगे तो अपना वाला पार्ट शूट करेंगे। आपको बता दें रवीना टंडन भी इसमें होने वाली है प्राइम मिनिस्टर के किरदार में, और उन्होंने कहा है कि उनका किरदार बहुत बड़ा रसूख रखता है और बहुत ज़्यादा जो है छाप छोड़ने वाला किरदार है, रवीना टंडन ने ये कहा है। लेकिन ये तो KGF चैप्टर 2 के रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि कितना कनेक्ट कर पाती है रवीना टंडन ऑडियंस से। संजू बाबा का आप पता है अधीरा के रोल में वो नज़र आने वाले हैं, उनका जब लुक सामने आया था तभी ऑडियंस पागल हो गई थी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अधीरा यानी कि संजू बाबा पर्दे फाड़ के रख देंगे। फादर्स डे के मौके पर KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील से एक फैन ने पूछा एनीथिंग अबाउट रॉकी फादर, तो KGF के डायरेक्टर ने विद बिग स्माइल #KGF Chapter 3 लिखकर फैन को खुश कर दिया। यानी कि KGF के डायरेक्टर ने KGF 3 की तरफ इशारा किया है, जी हाँ, बनाने का विचार कर लिया है। और उनके इस रिप्लाई से ये भी साफ हो गया है कि KGF 3 में रॉकी के फादर की स्टोरी दिखाई जाएगी। KGF स्टार यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। KGF चैप्टर फर्स्ट की सफलता के बाद यश ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये एक्टर बॉलीवुड के हीरोज तक पर भारी पड़ गया। फैंस अब बेसब्री से बड़े पर्दे पर KGF चैप्टर 2 देखने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों को फिलहाल और इंतजार करना होगा क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सब चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन इस बीच यश के बारे में एक रोचक किस्सा जानने को मिला है, जिसमें पता चला कि वो मात्र 300 रुपये लेकर घर से भागे थे। रॉकिंग यश ने इंटरव्यू के दौरान बताया, मैं अपने घर से भाग गया, जब मैं बेंगलुरु आया तो जैसे ही वहाँ पहुँचा मैं डर गया, इतना बड़ा डराने वाला शहर। लेकिन मैं हमेशा से आत्मविश्वास से भरपूर लड़का था, मैं संघर्ष करने से डरता नहीं। मेरे पास सिर्फ 300 रुपये थे जब मैं बेंगलोर पहुंचा। मुझे पता था कि अगर मैं वापस चला आया तो मेरे माता पिता मुझे कभी भी यहाँ लौटने की अनुमति नहीं देंगे। मेरे माता पिता ने मुझे एक अल्टीमेट दिया, मैं एक अभिनेता के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो मुझे वही करना पड़ेगा जो वो कहेंगे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने सोचा था मैं वापस आऊंगा, मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया, कोई सौभाग्य से मुझे थिएटर करने के लिए ले गया, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बैक स्टेज पैसे बनाना शुरू किया, चाय से लेकर पूरा सब कुछ। शुरू में मैंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए एक डायरेक्टर को भी असिस्ट किया था, जबकि मैंने थिएटर किया, मैंने बहुत यात्राएं की, स्टेज पर मेरा पहला अपीयरेंस लोगों ने नोटिस किया था। वहीं यश का असली नाम क्या आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे इसलिए हम बता देते हैं, इसमें क्या टेंशन लेने की बात है। यश का असली नाम है नवीन कुमार। वेल, अभी तक तो दर्शक KGF 2 देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन इस खबर के बाद वो KGF चैप्टर 3 के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। अब तो शायद ऑडियंस यही चाहेगी कि हमें दोनों पार्ट एक साथ ही देखने को मिल जाए, लेकिन वक्त तो लगेगा। अभी तो सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हाँ KGF 3 बनेगी जरूर। KGF चैप्टर 1 के बाद यश का लेवल अलग ही हो चुका है और उनकी फिल्मों का लगातार इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें KGF चैप्टर 2 की शूटिंग भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले जैसे ही KGF चैप्टर 2 के स्टार यश को पता चला कि शूटिंग रिज्यूम हो रही है, उन्होंने अपनी बॉडी पर वॉक करना शुरू कर दिया, अपने लुक पर काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। मेकर्स ने बताया कि जैसे ही उन्होंने सुना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और सेट पर लौटने का वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली उन्होंने अपने ट्रेनिंग से स्केड्यूल तय किए और फिर से अपनी बॉडी फिर से फिट और फाइन बना दी है। मस्कुलर बॉडी में एक बार यश दिखेंगे, डैशिंग लुक तो उनका हमेशा से रहता है फिल्मों में, तो इस बार भी कमाल ही करेंगे KGF चैप्टर 2 में। वहीं आपको बता दें KGF चैप्टर 2 स्टार यश के जो बेटे हैं उनके नाम के लिए बहुत चर्चा की जा रही थी और बहुत सारे नाम उनके फैंस ने रख दिए थे, क्योंकि कोई उन्हें जूनियर यश कहकर बुलाने लग गया था। तो अब KGF स्टार यश ने अपने बेटे का नाम भी खुलासा कर दिया है, यथर्व उनके बेटे का नाम है। तो दोस्तों, आपके स्टार्स की और खबरें मैं आपको बताती हूँ।
आपको बता दूं वो दो फिल्मों के साथ केजीएफ चैप्टर 2 के बाद सामने आएंगे। जो लेटेस्ट खबर मिली है, इस फिल्म का नाम होने वाला है माय नेम इज किराटका, और ये एक फिल्म है जिसकी शूटिंग उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 से पहले शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे ही केजीएफ चैप्टर 2 की बात हुई तो उन्होंने सारा काम छोड़ा। वो उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप सभी जानते हैं, मोस्ट अवेटेड फिल्म है, तो वो इसी काम पे लग गए। लेकिन लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद हो गया। अब फिर से रिज्यूम हुई है केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग, और उसके ठीक बाद शुरू होगी किराटका की शूटिंग, यानी कि अगले साल जनवरी में ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। जानर की बात करें तो ये एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है, और इसमें यश के अपोजिट नजर आएंगी नंदिता सवेथा, जो कि कमाल की एक्ट्रेस है। अनिल कुमार इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। अर्जुन जानिया इसमें म्यूजिक देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है यश के फैंस के लिए कि क्या इसे हिंदी में रिलीज किया जाएगा, क्योंकि हिंदी बेल्ट में अब उनकी कमाल की फैन फॉलोइंग हो चुकी है और हर कोई यश को देखना चाहता है बड़े पर्दे पर। केजीएफ चैप्टर 2 भी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, तो अब सब चाहते हैं कि यश अपनी जितनी भी फिल्म में रिलीज करे वो पैन इंडिया फिल्म हो, और हो सके तो वर्ल्ड वाइड उन्हें रिलीज किया जाए, फॉरेन लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया जाए, इतना बस यश के लिए बन चुका है। आपको बता दें इसके बाद वो एक और फिल्म लेके आने वाले हैं जिसका नाम है राणा, और ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसके लिए जो यश का लुक होने वाला है वो बहुत ही अलग लुक होने वाला है, ये खबरें मिली है, यानी कि बहुत ही डिफरेंट लुक में आपको आपके स्टार यश नजर आएंगे। तो केजीएफ चैप्टर 2 के जो स्टार है यश, उन्होंने अपने नन्हे मुन्ने बेटे का नाम भी ऐलान कर दिया है। उनके बेटे को लेकर जो उनका नाम था काफी अटकलें लगाई जा रही थी, कोई उसका नाम आयुष बता रहा था तो कोई फिल्म स्टार यश के बेटे को जूनियर यश कहकर पुकारना लग गया था। तो वही कन्नड़ फिल्म स्टार ने अब ये सारी बातों का खंडन कर दिया है। 10 महीने का बेटा है और उसके नाम को ही लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसे में यश ने एक बेहद खूबसूरत वीडियो को शेयर किया है और अपने बेटे का नाम उजागर किया है। यश ने अपने बेटे का नाम यथर्व रखा है, बहुत ही प्यारा नाम है। आपको बता दें यश की एक बेटी भी है जिनका नाम आयरा है, और वो हाल ही में 2 साल की हुई है, जिनका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया गया, और यश के बेटे के नामकरण के दिन भी बड़े स्तर पर एक पार्टी रखी गई थी, लेकिन COVID-19 के चलते उनके नामकरण में कम मेहमान बुलाए गए थे। इस दौरान परिवार के करीबी सदस्य ही दिखाई दिए थे। आपको बता दें यश ने राधिका के साथ लव मैरिज की थी। दोनों की पहली मुलाकात साल 2007 में हुई थी। दोनों ने एक साथ फिल्में की और इसी दौरान इन कपल्स में प्यार हो गया। साल 2016 में यश और राधिका ने शादी रचा दी, जिसके बाद साल 2018 में राधिका यश की बेटी आयरा ने इस दुनिया में कदम रखा, और इसके एक साल बाद अक्टूबर 2019 में बेटे यथर्व की एंट्री हो गई। तो ये एक फुल फैमिली बन गई, हैप्पी फैमिली, और जो इनके पापा हैं बच्चों के यश, वो सबको बड़े पसंद आते हैं। इसीलिए इस फिल्म का केजीएफ चैप्टर 2 का बड़ा इंतज़ार हो रहा है। इसमें बहुत बड़े बड़े स्टार होने वाले हैं। अधीरा यानी कि संजय दत्त, रवीना टंडन भी इस फिल्म में है, अनंत नाग भी है, प्रकाश राज भी है, मतलब बड़ी स्टार कास्ट है। और फिलहाल संजय दत्त अपने जो लंग कैंसर है उसके लिए अपने इलाज के लिए चले गए हैं US, और जल्द से वो ठीक होने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि वो अपना काम नहीं रोकना चाहते और अपना बचा कुचा काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। हम सब यही दुआ करेंगे कि संजू बाबा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और वो KGF चैप्टर 2 की शूटिंग में लौट आए। 1993 में उनकी एक फिल्म आई थी खलनायक, जिसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली थी। इस फिल्म में कुछ अलग करने के लिए संजय दत्त ने अपनी एक्टिंग पर तो मेहनत की ही थी, साथ ही उन्होंने अपने लुक को भी बदला था। इसके लिए उन्होंने कानों में बालियां पहनी, सर पे टोपी, एक आंख पर काला कपड़ा बांधा और दाढ़ी मूछें भी बढ़ाई थी। और इस फिल्म में जो उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई वो आज भी मिसाल बनी हुई है। वहीं उनकी दूसरी फिल्म है 1999 में आई वास्तव, जिसे महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया था। और वास्तव में इस फिल्म में संजय दत्त एक अलग ही लुक में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा और माथे पर बड़ा सा लाल तिलक लगाया, और जिसे देखकर ही लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। फिल्म में निभाए गए अपने किरदार से उन्होंने लोगों को इतना प्रभावित कर दिया था कि लोग उनके बोलने का तरीका, उनका स्टाइल तक कॉपी करने लगे थे।
उनकी अगली फिल्म है 2004 में आई मुसाफिर। इस फिल्म को संजय गुप्ता द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इस फिल्म में संजय दत्त ने अपने लुक को बदलने के लिए लेजर कट बियर्ड रखी थी और साथ ही साथ हाथ में सिगार और आंखों पर फैंसी गॉगल्स के साथ वो नजर आए थे, जिसके बाद उनके इस अंदाज को भी हर किसी ने कॉपी किया। तो वहीं 2009 में आई उनकी फिल्म प्लान। इस फिल्म को हृदय शेट्टी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में संजू बाबा यानी कि संजय दत्त एक बार फिर डॉन के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने अपने लुक के लिए एक लाइन वाली छोटी सी दाढ़ी रखी, साथ ही बालों में कलर भी किया था। या फिर यूं कहें कि उन्होंने जिस भी फिल्म में आज तक खलनायक की भूमिका निभाई है, उन्होंने अपने लुक पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। और 2012 में आई उनकी अग्निपथ को तो कौन भूल सकता है। अग्निपथ को करण जौहर ने डायरेक्ट किया था और ये 1990 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ का रीमेक थी, जिसमें ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में संजू बाबा ने अपने किरदार को कुछ अलग दिखाने के लिए अपने लुक्स पर बहुत मेहनत की थी। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वो अपने लुक को लेकर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। उन्होंने फिल्म के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बौहें भी हटवा दी थी। जी हाँ, साथ ही हाथों में ढेर सारे बड़े बड़े टैटूज भी बनवाए थे। और उनके इस फिल्म में निभाए गए खलनायक के रोल को डैनी डेंजोंगपा के साथ भी कंपेयर किया गया था। डैनी डेंजोंगपा की बात करें तो वो अपने दौर के स्टाइलिस्ट विलन रहे हैं, जिनके काम को हर किसी ने सराहा था। डैनी डेंजोंगपा ने घातक, खुदा गवाह, सनम बेवफा, अग्निपथ, काला सोना जैसी फिल्मों में सफलतम फिल्मों में विलन का जबरदस्त रोल अदा किया था। तो अग्निपथ में भी संजय दत्त ने निभाया जबरदस्त खलनायक का रोल, जिसमें उनका जो किरदार था कांचा चीना का, वो हर किसी ने बेहद पसंद किया था। लेकिन आपको बता दें कि एक खुशखबरी है, वो आ रहे हैं यश की फिल्म में। जी हाँ, आपने यश की KGF चैप्टर 1 में फिल्म की एंडिंग में देखा होगा कि एक विलन अपनी पीठ किए खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जब ये फिल्म पूरी तरह से पैन इंडिया बन ही चुकी है और एक बहुत बड़े पैमाने की फिल्म बन चुकी है, तो ये एक अच्छा मूव रहेगा जब इसमें एक नॉर्थ इंडियन एक्टर को मिलाया जाए, और जिससे कि ये फिल्म लगने वाली है कि पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रही है। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी इसको मिलकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और संजय दत्त का नाम है सबसे आगे, क्योंकि पहले पार्ट के अकॉर्डिंग एक महान खलनायक आने वाला है जो यश जैसे एक शेर के साथ टकराएगा, और अब शेर के साथ कोई मेमना तो नहीं टकरा सकता। तो आवश्यक होगा कि किसी ऐसे कलाकार को लाया जाए, किसी ऐसे किरदार को लाया जाए जो उनकी टक्कर का हो, क्योंकि दोस्तों एक एक्टर और उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लगे कि सच में कांटे की टक्कर है, क्योंकि विलन भी उतना ही बुलंद होता है जितना कि हीरो। एग्जाम्पल के लिए, अगर सुपरमैन एक जेब कतरे को पकड़ता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो दूसरे क्रिपलिन से आए हुए इंसान को पकड़ता है जो उतना ही बलशाली है जितना कि सुपरमैन, तब लगती है दोस्तों कांटे की टक्कर, तब होती है असली लड़ाई, तब आता है मजा। तो ऐसे में संजय दत्त की यश के साथ टक्कर देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब अगर बात करें कि वो कौन सा खलनायक है जिसे विलन ऑफ द ईयर से भी नवाजा जा चुका है, दोस्तों वो कोई और नहीं, बॉलीवुड के मशहूर खलनायक प्राण है। उनके रोल के बारे में तो क्या कहें, मतलब अपने दौर में उनका इतना खौफ था कि उनके पास जाने से भी हर कोई डरता था, और इनको 2000 में विलन ऑफ द ईयर के रोल से भी नवाजा जा चुका है। अगर प्राण की बात करें तो उन्होंने मधुमति, अमर अकबर, एंथनी, जंजीर और जिस देश में गंगा बहती है फिल्मों में जबरदस्त खलनायक की भूमिका अदा की है। सैटेलाइट राइट्स के लिए 120 करोड़ का ऑफर फिल्म को मिल चुका है और डिजिटल राइट्स के लिए 54 करोड़ का ऑफर फिल्म को मिल चुका है, जो कि बाहुबली 2 से भी ज्यादा है। यानी बाहुबली 2 का ये रिकॉर्ड तो ये फिल्म तोड़ चुकी है, और जिस तरह का बस देखने को मिल रहा है, फिल्म की कहानी बहुत तगड़ी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ये फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी ना तोड़ दे। आपको बता दें, बाहुबली 2 ने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया था और हिंदी सिनेमा की पहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई।
आपको बता दें यश का जन्म। बाहुबली 2 ने 1000 करोड़ की कमाई करके पिछली सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म अब तक ये बन चुकी है। अब देखना होगा KGF चैप्टर 2 इसका रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। वहीं यश की बात करें तो यश के पिता आज भी बस चलाते हैं। अब इतना कुछ उनके पास है लेकिन फिर भी उनके पिता बस चलाते हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उनके पिता ये जॉब क्यों नहीं छोड़ते। इस बारे में यश के पिता ने कहा कि इसी जॉब की बदौलत उनका बेटा इतना कुछ कर पाया है, इसीलिए वो ये जॉब कभी नहीं छोड़ेंगे। यश के बचपन की बात करें तो मैसूर में उनका बचपन बीता था। उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की वहाँ के महाजन हाई स्कूल से और वहाँ उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की और पढ़ाई के बाद बिनाका नाटक मंडली में शामिल हो गए। यश ने साल 2013 के बाद कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ी और उसके बाद 2018 में उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म उनको मिल गई जिससे उन्हें असली पहचान मिली, यानी KGF चैप्टर 1। और इस फिल्म ने 250 करोड़ की कमाई की और जीरो के साथ ये रिलीज हुई थी, जीरो को भी पीछे छोड़ दिया। यश ने अपनी को एक्टर राधिका पंडित से शादी की। मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी की शूटिंग के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे के प्यार में मर मिटे थे। दोनों की सगाई 12 अगस्त 2016 को गोवा में हुई। 9 दिसंबर 2016 को बेंगलुरु में एक निजी समारोह में इन दोनों ने शादी की। इतना ही नहीं, यश ने अपनी शादी के रिसेप्शन में पूरे कर्नाटका को न्योता दिया था। दोनों के 2 बच्चे हैं। अपनी मेहनत के बलबूते यश ने आज जो पहचान बनाई है उसकी दुनिया दीवानी है। वहीं यश के पास 40 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। इनके पास एक 3 करोड़ का बंगला भी है। यश अब एक NGO चलाते हैं। ये संस्था कई जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। अब यश की KGF चैप्टर 2 का सभी को इंतजार है। KGF चैप्टर 2 की शूटिंग क्यों रुकी और क्यों फूट फूट कर रोने लग गए यश? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, अपकमिंग कन्नड़ फिल्म KGF 2 का दर्शकों में बेहद क्रेज है। आखिर हो भी क्यों ना, इस फिल्म में नजर आने वाले हैं संजय दत्त विलन के किरदार में और वो भी धमाकेदार उनका लुक इस फिल्म में होने वाला है। और साथ ही इस फिल्म के फर्स्ट चैप्टर यानी कि KGF चैप्टर 1 ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, इसीलिए दर्शक इस फिल्म की आगे की कहानी जानने के लिए बेताब हैं। लेकिन एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल JMFC कोर्ट की तरफ से एक इंटरिम ऑर्डर आया है कोलार गोल्ड फील्ड्स में, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है। KGF 2 में श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त, यश, सरन शक्ति जैसे कलाकार काम कर रहे हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील। हाल ही में आई खबरों के मुताबिक कोलार गोल्ड फील्ड्स की साइनाइड पहाड़ी पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी लेकिन उसे कोर्ट के ऑर्डर की वजह से रोकना पड़ा। दरअसल पास ही रहने वाले श्रीनिवास ने फिल्म के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट डाली है जिसमें उसने कहा है कि सेट्स बनाने के लिए और शूटिंग करने के लिए हिल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है जिसकी वजह से एनवायरमेंट पर भी फर्क पड़ रहा है। श्रीनिवास की बात पर गौर करते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और फिल्म की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। हालांकि फिल्म की शूटिंग शुरू ही अभी इसी महीने की शुरुआत में हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म में लीड में नजर आने वाले हैं यश, जो कि कन्नड़ के बड़े सुपरस्टार हैं। और अभी हाल ही में उनकी वाइफ राधिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फोटो शेयर करते हुए यश की जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट शेयर किया है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कहा कि हमने आर्या यानी कि उनकी बेटी के कान छिदवाए। किसी भी पेरेंट्स की जिंदगी का ये सबसे मुश्किल काम होता है। उसको इतना रोता देख हमारा दिल टूट गया था। पहली बार मैंने रॉकिंग स्टार की आंखों में आंसू देखे, जिसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये बॉन्ड जिंदगी में कितने अमूल्य होते हैं। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, दोनों पापा और बेटी अब ठीक हैं। राधिका की इस पोस्ट पर फैंस भी खूब कॉमेंट कर रहे हैं। इस बात से मालूम चलता है कि हमारे सुपरस्टार यश काफी इमोशनल भी है। KGF यश की जिंदगी की सबसे सफल फिल्मों में से एक फिल्म है। ये फिल्म 1970 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में यश ने रॉकी का किरदार निभाया था जिसका उद्देश्य दुनिया और सोने की खान जीतना है। वहीं अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो जल्द ही यश KGF का पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं। ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। इस फिल्म का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संजय दत्त की बात करें तो वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां से अभिनय करने की कला उन्हें विरासत में ही मिली थी। इसकी वजह से उनकी रुचि फिल्मों के प्रति और अधिक हो गई थी और उन्होंने अपनी फिल्मों में
हीरो का किरदार निभाने के साथ साथ एंटी हीरो की भी भूमिकाएं अदा की है और उनके इस किरदार को भी दर्शकों से खूब सराहना हासिल हुई थी। 1993 में उनकी एक फिल्म आई थी खलनायक, जिसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली थी। इस फिल्म में कुछ अलग करने के लिए संजय दत्त ने अपनी एक्टिंग पर तो मेहनत की ही थी, साथ ही उन्होंने अपने लुक को भी बदला था। इसके लिए उन्होंने कानों में बालियां पहनी, सर पे टोपी, एक आंख पर काला कपड़ा बांधा और दाढ़ी मूछे भी बढ़ाई थी। और इस फिल्म में जो उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई वो आज भी मिसाल बनी हुई है। वही उनकी दूसरी फिल्म है 1999 में आई वास्तव, जिसे महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया था। और वास्तव में इस फिल्म में संजय दत्त एक अलग ही लुक में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा और माथे पर बड़ा सा लाल तिलक लगाया और जिसे देखकर ही लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। फिल्म में निभाए गए अपने किरदार से उन्होंने लोगों को इतना प्रभावित कर दिया था कि लोग उनके बोलने का तरीका, उनका स्टाइल तक कॉपी करने लगे थे। उनकी अगली फिल्म है 2004 में आई मुसाफिर। इस फिल्म को संजय गुप्ता द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इस फिल्म में संजय दत्त ने अपने लुक को बदलने के लिए लेजर कट बियर्ड रखी थी और साथ ही साथ हाथ में सिगार और आंखों पर फैंसी गॉगल्स के साथ वो नजर आए थे, जिसके बाद उनके इस अंदाज को भी हर किसी ने कॉपी किया। तो वहीं 2009 में आई उनकी फिल्म प्लान। इस फिल्म को हृदय शेट्टी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में संजू बाबा यानी कि संजय दत्त एक बार फिर डॉन के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने अपने लुक के लिए एक लाइन वाली छोटी सी दाढ़ी रखी, साथ ही बालों में कलर भी किया था। या फिर यूं कहें कि उन्होंने जिस भी फिल्म में आज तक खलनायक की भूमिका निभाई है, उन्होंने अपने लुक पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। और 2012 में आई उनकी अग्निपथ को तो कौन भूल सकता है। अग्निपथ को करण जौहर ने डायरेक्ट किया था और ये 1990 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ का रीमेक थी, जिसमें ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में संजू बाबा ने अपने किरदार को कुछ अलग दिखाने के लिए अपने लुक्स पर बहुत मेहनत की थी। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वो अपने लुक को लेकर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। उन्होंने फिल्म के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बौहें भी हटवा दी थी। जी हाँ, साथ ही हाथों में ढेर सारे बड़े बड़े टैटूज भी बनवाए थे। और उनके इस फिल्म में निभाए गए खलनायक के रोल को डैनी डेंजोंगपा के साथ भी कंपेयर किया गया था। डैनी डेंजोंगपा की बात करें तो वो अपने दौर के स्टाइलिस्ट विलन रहे हैं, जिनके काम को हर किसी ने सराहा था। डैनी डेंजोंगपा ने घातक, खुदा गवाह, सनम बेवफा, अग्निपथ, काला सोना जैसी फिल्मों में सफलतम फिल्मों में विलन का जबरदस्त रोल अदा किया था। तो अग्निपथ में भी संजय दत्त ने निभाया जबरदस्त खलनायक का रोल, जिसमें उनका जो किरदार था कांचा चीना का, वो हर किसी ने बेहद पसंद किया था। लेकिन आपको बता दें कि एक खुशखबरी है, वो आ रहे हैं यश की फिल्म में। जी हाँ, आपने यश की KGF चैप्टर 1 में फिल्म की एंडिंग में देखा होगा कि एक विलन अपनी पीठ किए खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जब ये फिल्म पूरी तरह से पैन इंडिया बन ही चुकी है और एक बहुत बड़े पैमाने की फिल्म बन चुकी है, तो ये एक अच्छा मूव रहेगा जब इसमें एक नॉर्थ इंडियन एक्टर को मिलाया जाए, और जिससे कि ये फिल्म लगने वाली है कि पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रही है। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी इसको मिलकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और संजय दत्त का नाम है सबसे आगे, क्योंकि पहले पार्ट के अकॉर्डिंग एक महान खलनायक आने वाला है जो यश जैसे एक शेर के साथ टकराएगा, और अब शेर के साथ कोई मेमना तो नहीं टकरा सकता। तो आवश्यक होगा कि किसी ऐसे कलाकार को लाया जाए, किसी ऐसे किरदार को लाया जाए जो उनकी टक्कर का हो, क्योंकि दोस्तों एक एक्टर और उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लगे कि सच में कांटे की टक्कर है, क्योंकि विलन भी उतना ही बुलंद होता है जितना कि हीरो। एग्जाम्पल के लिए अगर सुपरमैन एक जेब कतरे को पकड़ता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो दूसरे क्रिपलिंग से आए हुए इंसान को पकड़ता है जो उतना ही बलशाली है जितना कि सुपरमैन, तब लगती है दोस्तों कांटे की टक्कर, तब होती है असली लड़ाई, तब आता है मजा। तो ऐसे में संजय दत्त की यश के साथ टक्कर देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब अगर बात करें कि वो कौन सा खलनायक है जिसे विलन ऑफ द ईयर से भी नवाजा जा चुका है, दोस्तों वो कोई और नहीं, बॉलीवुड के मशहूर खलनायक प्राण है। उनके रोल के बारे में तो क्या कहें, मतलब अपने दौर में उनका इतना खौफ था कि उनके पास जाने से भी हर कोई डरता था।
और इनको 2000 में विलन ऑफ द ईयर के रोल से भी नवाजा जा चुका है। अगर प्राण की बात करें तो उन्होंने मधुमति, अमर अकबर एंथनी, जंजीर और जिस देश में गंगा बहती है फिल्मों में जबरदस्त खलनायक की भूमिका अदा की है। दोस्तों, साल 2018 में रिलीज हुई साउथ की सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। ये फिल्म 2018 में 21 दिसंबर के दिन रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज के बाद से ही प्रशंसक इसके दूसरे पार्ट का वेट कर रहे हैं। वेल, जहां फिल्म ने अपनी रिलीज का एक साल पूरा कर लिया है, तो इस मौके पर फरहान अख्तर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से केजीएफ चैप्टर 2 का पोस्टर शेयर किया है। जी हाँ, जिसमें यश अपने ही रोल में नजर आ रहे हैं। पोस्टर के साथ फरहान अख्तर ने कैप्शन में भी लिखा है, साम्राज्य की फिर से स्थापना के लिए हम तैयार हैं। आपको बता दें कि केजीएफ के पहले पार्ट के आने के बाद से ही दूसरे पार्ट का इंतजार प्रशंसक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। फिल्म के पहले पार्ट ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी काफी अच्छा कलेक्शन किया था। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम जैसी भाषाओं में रिलीज हुई थी और फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। केजीएफ चैप्टर 2 की अगर बात करें तो इसका निर्देशन प्रशांत नील कर रहे हैं। फिल्म में अनंत नाग, वशिष्ठ सिन्हा, मलाविका अविनाश, रामचंद्र राजू जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसके अलावा ये फिल्म संजय दत्त को लेकर भी काफी सुर्खियों में है। जी हाँ, संजय दत्त इस फिल्म में निगेटिव किरदार प्ले करने वाले हैं। उनका लुक काफी समय पहले से ही सुर्खियों में चल रहा है। इनफैक्ट कई लोगों का तो ये मानना है कि फिल्म में संजय दत्त का किरदार एवेंजर्स के थैनोस से प्रेरित होने वाला है। वेल, ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि संजय दत्त इस बार किस नए अवतार में नजर आने वाले हैं, क्योंकि संजय दत्त निगेटिव शेड्स के काफी दमदार रोल प्ले कर चुके हैं। दोस्तों, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील एंड स्टारिंग यश, केजीएफ चैप्टर 1 कन्नड़ लैंग्वेज की पीरियड एक्शन फिल्म है जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म के पहले पार्ट से फैंस काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थे और साथ ही फिल्म मेकर्स ने खबर दी थी कि वो चैप्टर 2 पर भी काम कर रहे हैं। कुछ ही वक्त बाद फिल्म के विलन के तौर पर संजय दत्त को इंट्रोड्यूस कराया गया और सबको उनके किरदार अधीरा का नाम भी बताया गया। मेकर्स ने फिल्म से संजू बाबा का लुक शेयर करते हुए दर्शकों को बताया कि इस फिल्म में संजय दत्त अधीरा नाम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही फिल्म मेकर्स ने अधीरा के किरदार को कंपेयर किया थैनोस के किरदार से, जो कि सुपर विलन है एवेंजर्स सीरीज का, जिसके बाद से दर्शकों के मन में फिल्म को लेकर और भी ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई है। संजू बाबा के फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि अधीरा के किरदार के लिए बाबा ही फर्स्ट चॉइस थे। एक करीबी सूत्र ने बताया कि संजय दत्त की फिल्में देखते हुए यश बड़े हुए हैं और वो उनकी परफॉर्मेंसेस और उनकी फिल्मों के हमेशा से ही फैंस रहे हैं। फिल्म के पहले पार्ट में कोई भी एज सच बड़ा विलन नहीं था, लेकिन जब चैप्टर 2 को लॉक किया गया तो तभी यश चाहते थे कि अधीरा के किरदार के लिए संजय दत्त को कास्ट किया जाए। यश ही ने मेकर्स को संजय दत्त का नाम सजेस्ट किया था और वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बाबा फिल्म के लिए हाँ कह दे। अब चूंकि बाबा ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर ऑन बोर्ड हैं, तो यश के लिए ये प्रोजेक्ट उनका सपना पूरा होने जैसा है। फिल्म के बारे में बात करते हुए यश ने कहा कि मैं अभी केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर बिजी हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने पहले पार्ट के लिए भी ये कहा था कि ये फिल्म कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की प्राइड बढ़ा देगी और आप सब ने रिजल्ट्स देख भी लिए। वो आगे कहते हैं कि लोगों के सपोर्ट ने हमें स्ट्रेंथ दी। केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में बस इतना कह सकता हूँ कि चैप्टर 1 इसके आगे बहुत छोटा लगने वाला है। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि फिल्म का कंटेंट और भी ज्यादा नया और बड़ा होने वाला है। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग जनवरी या फेब में रैप अप करने की कोशिश की जा रही है और पहली इंस्टॉलमेंट की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद अब मेकर्स इस फिल्म में जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। फिल्म का टीजर अप्रैल के महीने में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील, वहीं श्रीनिधि शेट्टी यश के ऑपोजिट फिल्म में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगी। इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।